साथियों, मैं आपका अपना भाई रोहित मीणा आ रही हूँ आपको अपने ही YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप इस प्रकार बने रहें, आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं सारी अपडेट आपको एक दिन मंजिल तक पहुँचाएगी। मेरी सारी अपडेट मैं जो कराऊँगा आपके लिए, जो करूँगा वो आपके लिए ही करूँगा। तो साथियों, जो हमारा जूलॉजी एंट्रेंस का जो पेपर था इस बार का, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाया था, उसको आज सॉल्यूशन यानी आंसर की करवाऊंगा मैं आपको। और कोई भी समस्या आती है आंसर की के अंतर्गत, बिल्कुल परफेक्ट आंसर की बताई जाएगी। अगर फिर भी कोई समस्या आपको किसी भी क्वेश्चन में आती है तो कमेंट में आप अपना उत्तर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साथियों, पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट में हम लास्ट में क्या परसेंटेज जाएगी, क्या कट ऑफ रहेगी, क्या हमारा यूनिवर्सिटी में सेलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसका हम लास्ट में विस्तृत रूप से जानकारी करेंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं और हमने क्या क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं। पहले आंसर की को हल करते हैं, पेपर को हल करते हैं। तो देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन है आपका, जबड़े रहित कशेरुकी के सदस्य हैं, जबड़े रहित कशेरुकी के सदस्य हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अग्नेता, अग्नेता जबड़े रहित कशेरुकी के सदस्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों, टू नंबर, सभी स्तनधारियों की सामान्य विशेषता है, सभी स्तनधारियों की सामान्य विशेषता पूछी है साथियों, तो टू नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसमें पर्णपतन नहीं होता है साथियों, इसमें पर्णपतन नहीं होता है। जो कशेरुक प्राणी है उनकी सामान्य विशेषता क्या होगी, इसमें पर्णपतन नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थ्री नंबर, एकल माध्यिका नथुने पाए जाते हैं, एकल माध्यिका नथुने किस में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्री नंबर का पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन में क्या है, एकल माध्यिका नथुने पाए जाते हैं, एकल माध्यिका नथुने पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर नंबर, विभिन्न प्रकार के सल्क जिनमें पीछे की सतह या किनारों पर दांतों जैसी या कंघे जैसी संरचना होती है वो कहलाते हैं। ये बीएससी फाइनल ईयर से आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट यूनिट से आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वैसे पेपर सिंपल ही आया था, कोई ये इतना हार्ड नहीं था, केमिस्ट्री और बॉटनी से सिंपल जूलॉजी का पेपर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फाइव नंबर, मछलियाँ जो स्वतंत्र रूप से समुद्री और मीठे पानी में प्रवास करती हैं वो कहलाती हैं, जो मछलियां स्वतंत्र रूप से समुद्री और मीठे पानी में प्रवास करती हैं वो कहलाती हैं, तो फाइव नंबर का राइट आंसर हो जाएगा समुद्रापगामी, समुद्रापगामी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सिक्स नंबर, यूरोडेला में विपरीति प्रदर्शित करी जाती है, किसके द्वारा यूरोडेला में विपरीति प्रदर्शित की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्स नंबर का ए ऑप्शन, सिलमेट्रा एट्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सेवन नंबर, लार्वा लक्षण की दृढ़ता कहलाती है, लार्वा लक्षण की दृढ़ता क्या कहलाती है, तो सेवन नंबर का राइट आंसर हो गया आपका डी ऑप्शन, पेडोमोर्फोसिस। इसका राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन, पेडोमोर्फोसिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एट नंबर, सरीसृप का वर्गीकरण निम्न में से किस पर आधारित है, सरीसृप का वर्गीकरण निम्न में से किस पर आधारित है, तो एट नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रिक्तियों पर आधारित है। सरीसृप का वर्गीकरण है वो रिक्तियों पर आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नाइन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है, उन्होंने जहरीला नहीं पूछा है, तो इसमें नाइन नंबर का वेरी सिंपल क्वेश्चन आया है, नाइन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पाइथन। ये भी फाइनल से आया हुआ क्वेश्चन है, फाइनल से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, लगभग 60-70% फाइनल से आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 10 नंबर, पक्षी की लंबी पूंछ पर पंख का गुच्छा क्या कहलाता है, तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पुच्छ पिच। जो पक्षी की पूंछ होती है उसके पूंछ के एंड में भी क्या है, चारों तरफ छोटे छोटे पंख पाए जाते हैं, उन्हें पुच्छ पिच की उपस्थिति यानी पुच्छ पिच कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 11 नंबर, पक्षियों का स्वर तंत्र क्या कहलाता है,
पक्षियों का स्वर तंत्र क्या कहलाता है? 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सिरिक्स। सिरिक्स पक्षियों का स्वर यंत्र कहलाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12 नंबर। स्तनधारी एवं पक्षी एक दूसरे से निम्नलिखित विशेषताएं शेयर करते हैं। स्तनधारी एवं पक्षी एक दूसरे से निम्नलिखित विशेषताएं शेयर करते हैं सिवाय किसकी? सिवाय। तो 12 नंबर का राइट आंसर हो गया यहाँ डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। खोपड़ी के दोनों तरफ एक छिद्र शूद्र कच्छ अस्थि के पीछे पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 13 नंबर। डेल्टॉइड कटक पाया जाता है। डेल्टॉइड कटक किस हड्डी में पाया जाता है उन्होंने? तो 13 का राइट आंसर हो गया ह्यूमरस। डेल्टॉइड कटक पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 14 नंबर। स्तनधारियों की छोटी आंत तीन भागों में विभाजित होती है। स्तनधारियों की छोटी आंत तीन भागों में विभाजित होती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया है। कौन कौन से भाग? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ग्रहणी, मध्यांत्र एवं शीर्षांत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 15 नंबर। सरीसृपों के पुष्प पाए जाते हैं। सरीसृपों के पुष्प कहाँ पाए जाते हैं? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्लूरोपेरिटोनियल गुहा में। प्लूरोपेरिटोनियल गुहा में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 16 नंबर। कुत्ता मछली में कार्यात्मक महाधमनी मेहराब की जोड़ियां हैं। महाधमनी मेहराब की जोड़ियां कौन कौन सी हैं? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 17। एक व्यक्ति जो लंबे समय से भूख हड़ताल पर है और सिर्फ पानी पर जिंदा है, उसके ये क्वेश्चन आया। इसका एक अच्छा सा उदाहरण बताता हूँ कि राजस्थान यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी हो जिसके अंतर्गत जो भी छात्र नेता होते हैं वो आंदोलन करते हैं, कभी भूख हड़ताल करते हैं, तो उस भूख हड़ताल में केवल वो पानी पर जीते हैं, तो पानी पर जीने पर उनकी क्या है, मूत्र में किसकी कमी हो जाएगी? इसका आंसर पूछा है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी यूरिया में, यूरिया मूत्र में यूरिया की कमी हो जाएगी। तो इसी आंसर बिल्कुल रट जाएगा। यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी आंदोलन होते हैं उनमें भूख हड़ताल होती है, उसमें क्या है, व्यक्ति के मूत्र में यूरिया की कमी हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 18 नंबर। विसरण परिणाम है, विसरण किसका परिणाम है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ उपयुक्त सभी, यानी विसरण है वो कणों की यादृच्छिक गति का भी प्रमाण है, परिणाम है, एकाग्रता का प्रमाण है, गतिज ऊर्जा का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 19 नंबर। विटामिन के का रक्त का थक्का बनाने में क्या महत्वपूर्ण है? विटामिन के का रक्त का थक्का बनाने में क्या महत्वपूर्ण है? जो विटामिन ए होती है उसका रक्त का थक्का बनाने में क्या महत्वपूर्ण है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रोथोम्बिन का निर्माण। डी ऑप्शन, प्रोथोम्बिन का निर्माण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 20 नंबर। कौन से कारक चौड़ी कर सकते हैं QRS एवं लंबी टेंटेड टी लहर बना सकते हैं? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 21। निःश्वसन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया है, जूलॉजी का जो पेपर है और कट ऑफ भी हाई जाएगी इसकी, मैं तो मानता हूँ। 21, निःश्वसन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डायाफ्राम एवं इंटरकोस्टल पेशियों में संकुचन होगा। जो अंतःश्वसन, जिसमें श्वसन बाहर से ग्रहण की जाती है मनुष्यों द्वारा, जो श्वसन बाहर से ग्रहण, वायु बाहर से ग्रहण किया जाता है, जिसमें डायाफ्राम तथा जो इंटरकोस्टल पेशियां होती है वो संकुचित हो जाती हैं, जिससे वायु अंदर आती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 22। क्लोराइड विस्थापन आवश्यक है? तो 22 का राइट आंसर है ए ऑप्शन, CO2 के परिवहन के लिए क्लोराइड विस्थापन आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 23। शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी होती है, कौन सी है बीमारी प्रोटीन की कमी से? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, क्वासियोरकर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 10th क्लास में भी दिया हुआ है, पहले चैप्टर में दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन आए सारे के सारे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24। सेक्रेटिन हार्मोन का श्रावण उत्तेजित करता है, सेक्रेटिन हार्मोन का श्रावण उत्तेजित करता है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय, राइट आंसर अग्नाशय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 25। हृदय से लुभ की ध्वनि पैदा होती है, जो लव डव की ध्वनि होती है उसमें लुभ की ध्वनि जो होती है वो किससे पैदा होती है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, माइट्रल एवं ट्राइकास्पिड कपाट के बंद होने पर, माइट्रल एवं ट्राइकास्पिड कपाट के बंद होने पर जो लुभ की ध्वनि है हार्ट के अंदर वो क्या है, ध्वनि पैदा होती है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 26, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका परिधीय तंत्रिका तंत्र में माइलिन गठन के लिए जिम्मेदार है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा श्वान कोशिका, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 27, मानव पेशियों में कौन सा मुख्य पोस्टोजन उपस्थित रहता है? मानव पेशियों में कौन सा मुख्य पोस्टोजन उपस्थित रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन फॉस्फोक्रिएटिन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 28, अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा सबसे अधिकता में उत्पादित हार्मोन, जो अग्रपीयूष ग्रंथि है उसके द्वारा सबसे अधिकता में उत्पादित हार्मोन है, तो 28 का जीएच ग्लूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीएच। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 29, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एक परिवर्तित अमीनो अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एक परिवर्तित अमीनो अम्ल है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन एक परिवर्तित अमीनो अम्ल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 30, रज चक्र की प्रथम अवस्था में प्राथमिक फॉलिकल का ऑक्सीकरण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 31, गर्भनाल में जो रक्त प्रवाहित होता है वह है, जो गर्भनाल होती है उसमें रक्त प्रवाहित होता है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100% वो रक्त भ्रूणीय का होता है, 100% वो रक्त क्या है, भ्रूणीय का होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 32, उच्च ऑक्सीजन तनाव के विषाक्त प्रभाव सबको सम्मिलित करता है सिवाय, किसके सिवाय सम्मिलित करता है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सेरेब्रल रक्त प्रवाह में कमी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 33, एंटीजीनिक पेप्टाइड्स टी कोशिका को प्रस्तुत किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन MHC के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 34, एग्रीटॉप प्रतिजन का वह भाग जो परस्पर क्रिया करता है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन प्रतिपिंड से। नहीं, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन ही, इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का बी ऑप्शन MHC से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 35, एक प्रारूपिक इम्यूनोग्लोबिन अणु में कितने बंद होते हैं? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 10 से 20 अणु, हीमोग्लोबिन अणु में 10 से 20 बंद होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 36, प्रतिरक्षी विविधता उत्पन्न होती है, प्रतिरक्षी जो विविधता है किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कायिक अति उत्परिवर्तन के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 37, टी सेल रिसेप्टर्स प्रतिजनिक पेप्टाइड्स द्वारा जुड़ सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, सिर्फ जब प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 38 नंबर, टाइपस्ट अति संवेदनशील प्रतिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा तीव्र ग्राह्यता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 39, मायस्थेनिया ग्रेविस में अवरुद्ध प्रतिरक्षी जुड़ती है, मायस्थेनिया ग्रेविस में अवरुद्ध प्रतिरक्षी जुड़ती है, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 40 नंबर, प्रतिरक्षा दमनकारी उपाय सबसे प्रभावी होता है जब देते हैं, जब वो क्या देते हैं? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन प्रतिजन से सग्र के समय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 41, जटिल सीडी के साइक्लिन ए का मेटाफेज अवस्था में क्या परिणाम होता है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सिर्फ साइक्लिन ए का निम्नीकरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 42, ऊर्जा संग्रहण की दर उपभोक्ता स्तर पर क्या कहलाती है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन द्वितीयक उत्पादकता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 43, रूट स्प्रिंग का बाई ऊर्जा प्रवाह का चित्र किसने प्रतिपादित किया था? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा एच टी ओडम।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 44। निम्नलिखित में से कौन से पारितंत्र का सबसे कम प्रति वर्ग मीटर में प्राथमिक उत्पादन होता है? कौन से पारितंत्र का? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, खुला सागरीय पारितंत्र सबसे कम प्रति वर्ग मीटर में प्राथमिक उत्पादन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 45। समुदाय के किस लक्षण को दर्शाता है एक झील में एपिलिमनियन, मेटालिमनियन एवं हाइपोलिमनियन का पाया जाना? मतलब ये तीनों पाई जा रही हैं, ये मछलियां हैं शायद, एक ही झील में पाई जा रही हैं, तो इनका क्या लक्षण को क्या किसको दर्शाता है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा विस्तरण, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, विस्तरण को दर्शाता है, स्ट्रैटिफिकेशन को दर्शाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आर चयनित प्रजातियों का लक्षण नहीं है? आर चयनित प्रजातियों का लक्षण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लंबी पीढ़ी का समय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 47। घातीय वृद्धि की परिभाषित विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? घातीय वृद्धि की परिभाषित विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वृद्धि की दर समय के साथ तेजी से बढ़ती है, जो वृद्धि होती है उसकी दर समय के साथ तेजी से बढ़ती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 48। सहभोजिता सहजीवी संबंध होता है दो जीवों के मध्य, जहां एक को लाभ दूसरे को कोई हानि नहीं, वहां होती है सहभोजिता सहजीवी संबंध। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 49। जब एक प्रणाली पारिस्थितिक तंत्र समस्थित में होता है तब प्रजातियों की समष्टि का क्या होता है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वो एक समान रहती हैं, वो एक समान रहती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 50 नंबर। ऐसे पोषक तत्वों द्वारा जल निकायों का संवर्धन जो पारितंत्र को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सुपोषण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 51। लिंकन सूचकांक क्या मापता है? जो लिंकन सूचकांक होता है वो क्या मापता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, समष्टि का आकार मापता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 52। खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं के बीच ऊर्जा प्रवाह का अनुपात क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं के बीच ऊर्जा प्रवाह का अनुपात क्या कहलाता है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पारिस्थितिक दक्षता कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 53। आदर्श पर्यावरण की स्थिति के तहत समष्टि के आकार का बढ़ना क्या कहलाता है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, जन्म दर कहलाता है। आदर्श पर्यावरण की स्थिति के तहत समष्टि के आकार का बढ़ना क्या कहलाता है? जन्म दर कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 54। विश्व पर्यावरण दिवस साल के किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस है तो साल के किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 55। पृथ्वी में सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है? पृथ्वी में सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा जलमंडल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 56। जल निकाय में प्रदूषण स्तर का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, कोलिफॉर्म जीवाणुओं की गणना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 57। प्राकृतिक संसाधन के दीर्घकालिक उपयोग के लिए संरक्षित करने में कौन से तीन आरएस हमारी मदद करेंगे? कौन से तीन आरएस हमारी मदद करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का डी ऑप्शन, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 58। एक सफल संरक्षण क्रिया नीति में शामिल होना चाहिए? एक सफल संरक्षण क्रिया नीति में शामिल होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भौतिक एवं जैविक घटकों की सुरक्षा के लिए व्यापक कार्यक्रम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 59। अम्लीय वर्षा में किस प्रकार का रासायनिक अपचय बढ़ता है? तो 59 इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी, यानी जलीय विश्लेषण, कार्बोनेशन, ऑक्सीकरण, तीनों में अम्लीय वर्षा के रासायनिक अपचय का बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 60 नंबर। ओजोन क्षेत्र का निर्माण किसके ऊपर अधिकतम है? जो ओजोन क्षेत्र है सबसे ज्यादा कहाँ है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अंटार्कटिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 61। खाद्य श्रृंखला में
गैर जैव निम्नीकरण कीटनाशकों का एकत्रित होना प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर क्या कहलाता है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जैविक आवर्धन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 62। निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने सतत विकास के लिए शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया, सतत विकास के लिए शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, WWF भारत के द्वारा शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 63। भारत में कौन सा राज्य बड़ी संख्या में लुप्त प्राय प्रजाति एशियाटिक शेर को, शेर की समष्टि का प्रवास है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गुजरात। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 64। किंग सोलोमन्स रिंग का लेखक कौन है? ये कोई पुस्तक है, किंग सोलोमन्स रिंग का लेखक कौन था, कौन है? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कॉनराल्ड लॉरेंस, कॉनराल्ड लॉरेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 65 नंबर। हाइड्रोलिक फ्लक्स प्रतिरूप समझाता है, क्या समझाता है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अभिप्रेरण को समझाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 66। निशान फेरोमोन होता है। तो 66 का राइट आंसर फॉर्मिक अम्ल होता है, जो निशान फेरोमोन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 67। मधुमक्खियों की जो कॉलोनी होती है वो किस प्रकार की होती है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बहुपुंकेसरी प्रकार की होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 68 नंबर। बहुसंख्यक संभोग प्रणाली यानी एक मादा कई नरों के साथ संभोग करती है, यानी मीटिंग करती है कई नरों के साथ, यानी एक फीमेल कई मेल के साथ संभोग करती है यानी मीटिंग करती है, तो पाई जाती है क्या, पाई उसके अंदर ऐसा क्या होगा जो संभोग करेगी, तो वहाँ जो समष्टि होगी। तो 68 में जो वी ऑप्शन है वो करेक्ट है, जहाँ सिर्फ एक जनक पालन पोषण की जिम्मेदारी निभाता है, यानी जो महिला क्या है, जो फीमेल है वो क्या है, कई नरों के साथ संभोग करती है यानी रिप्रोडक्शन करती है, रिप्रोडक्शन करके जो शिशु हैं उनको, उनका पालन पोषण एक जनक के द्वारा किया जाता है। अगर एक ही माता कई पुरुषों के साथ संभोग करेगी या रिप्रोडक्शन करेगी जिससे कई संतान उत्पन्न होगी, क्या वो माता कई संतानों का पालन पोषण कर सकती है? नहीं कर सकती। तो इसके लिए एक जनक पालन पोषण की जिम्मेदारी निभाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 69। शिकारी के साथ स्थान से बचना परिणाम है। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा अधिगम का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 70। राजस्थान का राज्य धरोहर जानवर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ऊंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 71। स्तनधारियों में ऊसाइड की सतह पर एग्निट माइक्रोविली बाहर निकली हुई होती हैं, वहाँ बाघ कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा वी ऑप्शन, जोना पेलुसुडा कहलाता है। क्या हो जाएगा? जोना रेडिएटा कहलाता है। जोना पेलुसुडा नहीं, रेडिएटा कहलाता है, जोना रेडिएटा कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 72। अनिषेक जनन द्वारा उत्पन्न हुए वयस्कों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 72 का राइट आंसर हैप्लॉयड होती है, यानी एगुणित होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 73। विदलन जो अंडों को पशु वनस्पति अक्ष के मध्य से समकोण पर द्वय विभाजित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रेकांशिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 74। न्यूरोजेनेसिस शब्द में समाहित है, क्या बनता है, बनना? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, न्यूरोजेनेसिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 75। मेलानोफोरस एवं ग्यानोफोरस प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, न्यूरल क्रिस्ट कोशिका से। साथियों मैं बता दूं कि आंसर की के अंतर्गत कुछ क्वेश्चनों के आंसर गलत की दिए हुए हैं, तो यहाँ मैंने सारे क्वेश्चन अपने हिसाब से बिल्कुल राइट करेक्ट करके लाया हूँ। तो आंसर की में अगर आपको जो इस वाले क्वेश्चन चाहिए मेरे वाले करेक्ट, तो आप जीमेल पे, उसकी जो जीमेल है मैंने टेलीग्राम पे डाल रही है, यहाँ तुम डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी सोशल मीडिया की लिंक है, वहाँ आप मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार की सहायता के लिए, और नोट्स प्राप्त करने के लिए इसकी PDF चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साइड में नंबर लिख रखा है व्हाट्सएप नंबर,
और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 76। पुनरुद्ध भवन समान होता है, पुनरुद्ध भवन समान होता है, तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विभेदन। इसका राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 77। स्तंभ कोशिका क्या होती है, स्तंभ कोशिका क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट। कोशिका जो स्वयं की प्रतियां एवं विशेष प्रकार की कोशिका बना सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 78। वृद्धावस्था में कोलेजन प्रोटीन की क्रिया क्यों प्रभावित होती है, कोलेजन जो प्रोटीन है उसकी प्रक्रिया वृद्धावस्था में ओल्ड एज में क्यों प्रभावित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्योंकि विसरण बहुत अधिक होता है, क्योंकि विसरण बहुत अधिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 79। कौन सा कल्प मानव युग कहलाता है, कौन सा कल्प मानव युग कहलाता है, तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चतुर्थक कल्प। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 18 नंबर। हीकल ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था, हीकल ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पुनरावृत्तीकरण का सिद्धांत। किसके द्वारा, हीकल ने प्रतिपादित किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 81। बेलास्ट जल तंत्र को क्षति पहुंचा सकता है क्योंकि, बेलास्ट जल तंत्र को क्षति पहुंचा सकता है क्योंकि यह समुद्र के जलीय संगठन को बदल सकता है, क्योंकि यह समुद्र के जलीय संगठन को बदल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 82। आनुवंशिक विचलन की प्रक्रिया अधिकतर उन समष्टियों में होती है जो छोटी, जो छोटी और जन्मजात होती है, छोटी और जन्मजात होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 83। गुणात्मक परिवर्तन उत्पन्न करने वाली विभिन्नताएं क्या कहलाती हैं, तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, परिमासीय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 84। यदि वर्ण दाब लंबे समय तक जारी रहे तो क्या होगा, यदि वर्ण दाब लंबे समय तक जारी रहे तो क्या होगा, तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अप्रभावी जीन समष्टि से विलुप्त हो जाएगी, अप्रभावी जीन समष्टि से विलुप्त हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 85। यदि समष्टि में यादृच्छिक संगम हो रहा है, यानी जो रिप्रोडक्शन है वो अपनी इच्छा के अनुसार या अयादृच्छिक इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है तो क्या होगा समष्टि के अंदर, तो इसका 85 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आनुवंशिक साम्यावस्था बिगड़ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 86। सबसे बड़ा प्राणी भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, सबसे बड़ा प्राणी भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, पहली आर्कटिक क्षेत्र, पहली आर्कटिक क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 87। महाद्वीपीय बहाव की परिकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, महाद्वीपीय बहाव की परिकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वैगनर के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 88। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए कोशिकाएं कहां से प्राप्त की जाती हैं, तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लसिका ग्रंथियों से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 89। पुनः संयोजी तकनीक द्वारा अंग प्रत्यारोपण के लिए कौन से जानवर सबसे ज्यादा उपयुक्त होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 का बी ऑप्शन, ट्रांसजेनिक सुअर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 90। जीवाणु अस्वय किसके उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, राइबोफ्लेविन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 91। वह विधि जो सुई द्वारा भ्रूण के जन्म दोष के निदान के लिए काम में लाई जाती है वह कहलाती है, तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा उल्वभेदन, उल्वभेदन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 92। पेट्रोलियम की पुनः प्राप्ति के लिए अधिकतर किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है, तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, थायोबैसिलस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 93। चीज बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सा किण्वक स्कंदन में प्रयोग होता है, कौन सा एंजाइम स्कंदन में प्रयुक्त होता है, तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा कैमोसिन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 94। आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा इंसुलिन के उत्पादन किस सूक्ष्म जीवाणु का उपयोग किया जाता है, तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ई कोलाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 95। मानव में सर्कैडियन चक्र की अवधि क्या होती है, मानव में सर्कैडियन चक्र की अवधि क्या होती है,
तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 24 घंटे होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 96। निम्न में से कौन सा मोहक आक्रमी अनुहरण का उदाहरण है, मोहक आक्रमणी अनुहरण का उदाहरण है, तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लोफिसियस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 97। अंतर्राष्ट्रीय प्राणी शास्त्रीय नामकरण नियमावली का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का राइट आंसर। एक सेकंड, इसका राइट आंसर मैं कमेंट में बताऊंगा, थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में इसका मैं आपको राइट आंसर नीचे पिन कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 98। कौन सी क्रिया ऊर्जा मुक्त करती है, कौन सी क्रिया ऊर्जा मुक्त करती है, तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ऊर्जा जनित क्रिया ऊर्जा मुक्त करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 99। सभी स्तनधारियों के दुग्ध में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट कौन सा पाया जाता है, जो स्तनधारी होते हैं उनके दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है मुख्यतः, तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लैक्टोस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट एंड फाइनल। उससे पहले मैं साथियों आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको 10th 12th BSc MSc इसकी सारी नॉलेज आपको अति जल्द ही प्रोवाइड की जाएगी, तो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर विद नोट्स के साथ। अब मेरे टेलीग्राम को नीचे दी गई उसमें सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं यानी न्यूज़ के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 100 नंबर, तो इसका कौन सा सूक्ष्म जीव विलायक के रूम में एवं सूक्ष्म जीवी तेल वसूली के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जेंटोमोनास। साथियों धन्यवाद, आपने यहाँ तक आए, मेरी जो पेपर सॉल्यूशन है मेरे द्वारा जो किया गया उसको देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे लायक कोई भी आपकी सेवा है, अगर मेरे लायक कोई भी आपका कोई काम है, कोई सेवा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं आपका अपना रोहित मीणा, मेरा जो उद्देश्य है वो अलग है, मेरे इरादे अलग हैं। मैं हर गाँव, हर क्षेत्र, हर गली, हर मोहल्ले, मेरा इरादा है कि जो ऑनलाइन फ्री एजुकेशन पहुँचाऊँ मैं, जो साथियों घर से 10th 12th के बच्चे हैं, साथ साथ 10-10, 22-22 हज़ार रुपये कोचिंगों में देते हैं, उसके लिए मैं यहाँ फ्री सारा सिलेबस उपलब्ध कराऊंगा विद सॉल्यूशन, विद वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, ऑलवेज हैप्पी माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर कर दिया करो साथियों, ताकि सभी को पता चले कि सोशल मीडिया पर भी कोई आया है अपने इरादों को लेकर, उनको पूरा करने के लिए आपके लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।